हेलो फ्रेंड, नमस्ते। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो देख सकते हैं कि मैंने रात भर के लिए भिगो के रख दी थी दाल चावल। तो आज दाल चावल की बहुत बढ़िया, बहुत क्रिस्पी पकौड़ी बनाऊंगी। आप सब पूरी वीडियो देखेंगे तो समझ जाएंगे। देख लीजिए, अरबी का पत्ता है, बिल्कुल ताज़ा और फ्रेश। मतलब देसी पत्ता है, बहुत ही बढ़िया है। ये नहीं काटता, जैसे कनकनाने वाला एक होता है ना कि जो काटता है, खिचड़ी करता है मुँह में, वो खुजली नहीं करेगा। ये बहुत बढ़िया। इसे मैंने साफ से धुल के बारीक बारीक काट ली और दाल और चावल दोनों साथ में पीस ली हूँ। तो मैं बता दूँ आप सबको कि दाल किस चीज़ का था। मैं चने का दाल ली थी, थोड़ा सा उड़द का दाल था, और चावल, चावल तो कोई सा भी आप ले सकते हैं, मोटा पतला। आपके घर में जो चावल हो वही ले लीजिए, इसमें कोई नहीं। इसमें आप, मैंने इसमें हल्का आधा चम्मच हल्दी पाउडर, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच गरम मसाला, उसके बाद में छोटे चम्मच से थोड़े थोड़े करके जीरा, अजवाइन, सौंफ, मतलब कुछ खड़े मसाले डालने हुए, दो लहसुन काट के डाल दी इसके अंदर, मतलब जो है वो सब चीज़ें डाल दी। इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल दी हूँ, थोड़ा सा अदरक कूट के डाल दी। सारी चीज़ें डाल के अब दिखाती हूँ आप सबको कि आज मैं कैसे इसका पकौड़ी बनाऊँगी। बहुत बढ़िया, बहुत टेस्टी पकौड़ी बनेगा। आधा नींबू इसके अंदर फिर भी मैं डाल दे रही हूँ, चाहे वो काटे ना काटे, लेकिन फिर भी मतलब डाल दे रही हूँ। बहम फमन में रहता वो नहीं रहेगा किसी के, खाने में सबको अच्छा लगेगा, बच्चे भी खा लेंगे इसी बहाने। तो देख लीजिए जितना गाढ़ा था, मैंने इसके अंदर पानी वानी कुछ नहीं डाला। जितने चावल दाल में मतलब होता है नमी, उतना ही है। मैंने अच्छे फेफे पीस ली बिल्कुल बारीक। तो बारीक कितना भी कर लोगे आप, चावल है तो चावल के वजह से दरदरापन रहेगा इसके अंदर। तो देख सकते हैं आप लोग, मैं थोड़ा थोड़ा करके सारा इसके अंदर अरबी का पत्ता जो था वो डाल दी हूँ। डाल के इसे अच्छे से मिला रही हूँ, क्योंकि अभी तो देखने में ज़्यादा लग रहा है। अभी जब ये नमक है, इसके अंदर नमक डाली हूँ, उसकी वजह से गल के थोड़ा सा हो जाएगा और मुलायम भी हो जाएगा। अभी तो पत्ते ज़्यादा लग, मैंने हरा मिर्च, प्याज और धनिया और पुदीना, ये चार चीज़ें डाली फिर से इसके अंदर, क्योंकि धनिया पुदीना डालने से और बढ़िया इसका स्वाद आता है। प्याज और हरी मिर्च आपको डालनी है तो डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो डाली हूँ। ये सब चीज़ें डालने से अच्छा लगता है, खाने में बढ़िया लगता है। तो इसे बारीक काट के मैंने रख रखा था, इसलिए मैंने इसके अंदर डाल दी। थोड़ी देर के लिए मैं इसे ढक के रख दूँगी। देख लीजिए अभी से इतना सारा गल चुका है, लेकिन अभी ये थोड़े देर में बिल्कुल ही गल जाएगा। फिर मैं दिखाती हूँ कि क्या करना है आगे। मैंने एक बड़ा सा, थोड़ा हमारे घर में वो है फ्राई पैन सा, उसमें उसके अंदर मैंने पानी कटोरे के अंदर रख दी हूँ, वो गर्म हो रहा है। क्योंकि ऐसे बर्तन में रखिए पानी गर्म होने के लिए, जो मतलब हमें वैसा न है कि जो ख़राब हो जाए, क्योंकि पानी जब हम गर्म करते हैं तो उसके अंदर का जो होता है वो एकदम बिल्कुल काला सा बन जाता है, निफान हो जाता है पानी गर्म करने के चक्कर में। तो इसलिए मैंने ऐसे बर्तन लिया जो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती हूँ, कभी कभार मतलब ज़रूरत पड़ने पर कर लेती हूँ, नहीं तो ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता तो फिर नहीं करती। पानी अभी पूरी तरह से गर्म नहीं हुआ है, फिर भी मैंने इसके अंदर बना के रख दी कि ताकि जब तक ये गर्म होगा, आराम से होता ही रहेगा, उबलता रहेगा, तब तक मैं इधर काम कर लूँगी। तो दो चम्मच में बेसन ली हूँ, दो चम्मच चावल का आटा लूँगी। तो चावल के आटे से आप समझ सकते हैं कि कितना अच्छा और कितना क्रिस्पी बनता है। कोई भी चीज़ आप बना रहे हो तो चावल का आटा जैसे पकौड़ी के लिए तो बहुत ही अच्छा है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने दो चम्मच बेसन, दो ही चम्मच चावल का आटा दोनों ली हूँ, हल्का सा हल्दी, हल्की सी लाल मिर्च पाउडर, मतलब थोड़ा ही थोड़ा लेना है क्योंकि हम इसके अंदर पहले से डाल दिए हैं, और इसमें हल्का ही मतलब पानी डाल के इसका एक घोल सा बनाना है। तो देख सकते हैं आप लोग कि इसे मैं अच्छे से मिलाऊंगी, ना ज़्यादा पतला ना ही ज़्यादा गाढ़ा, उसका एक मतलब घोल बन के तैयार हो जाएगा। और जब तक ये अपना हो रहा है, उबल रहा है, देख सकते हैं आप सब कि मतलब अभी पता चल जाएगा मुझे, मैं चेक करूँगी हुआ है नहीं हुआ है अरबी का पत्ता। तो ऐसे मतलब मैंने अरबी के पत्ते का कई बार के पकौड़ी का रेसिपी डाल रखी हूँ, वीडियो डाल रखी हूँ, लेकिन मैं आज कुछ अलग ही इसलिए कर रही हूँ क्योंकि चावल दाल पीस के उसके बाद में मैं इसे डाल के बनाई हूँ, तो इससे कुछ अलग और कुछ हटके बनेगा। क्योंकि मेरे वीडियो में अभी तक चावल दाल का अरबी का पत्ते में नहीं मतलब बनाई थी मैं ऐसे करके, तो मैं समझ सकती हूँ कि आज बहुत ही अच्छा बनेगा ये, और बढ़िया बन जाएगा घर का बनाओ। क्योंकि हर बार बेसन से बनाती थी तो बेसन से बना हुआ कुछ अलग ही होता है, और ये घर का दाल चावल का एक पेस्ट बना के बढ़िया से उसके अंदर सब चीज़ें मिला के बनाई हूँ तो कुछ अलग ही बना होगा। तो मैं अभी चेक करूँगी कि हुआ है या नहीं हुआ है। हो गया है, मुझे पता चल गया, हो गया, चेक कर ली हूँ। तो अब मैं इन्हें निकाल लूँगी सारा और ठंडे कर लूँगी। देख लीजिए कितना बढ़िया लग रहा है, आराम से निकल भी जा रहा है, क्योंकि नीचे से थोड़ा सा हल्का सा तेल लगा दीजिए
और नहीं तो ऐसे भी निकल जाएगा, चिपकेगा नहीं है क्योंकि बढ़िया से उबल गया है, तो इसमें कोई वो नहीं है। अब मैं इसे हटा के देख लीजिए, ऐसे हाथ से अच्छे से मतलब हल्का हाथ से दबाना है इसे, ज़्यादा नहीं, और इतना दबाना कि बीच में बराबर रहे, कहीं ऊँचा नहीं, मतलब मोटा पतला ना रहे, नहीं तो बीच में कच्चा रह जाता है। वैसे मतलब स्टीम करने के बाद तो ये अच्छे से हो ही जाता है, पक जाता है, फिर भी एक बार बराबर कर देने से अच्छा लगता है। तो आप सब देख सकते हैं कि बहुत आसान तरीका है ऐसे बनाने का। तो मैंने एक से दो बार वो वाला वीडियो डाल चुकी हूँ, अरबी के पत्ते का, मतलब बेसन पूरे में लगा के लपेट के बनाना, रोल बना के बनाना, वैसे बनाना। ये मैं नेक्स्ट टाइम पहली बार कर रही हूँ, तो वो तो मैं कई बार बनाई हूँ, तो ऐसे मैं पहली बार इसलिए दाल चावल वाला आप सबको दिखा रही हूँ कि दाल चावल से बहुत बढ़िया पकौड़ी बनता है। घर पे अगर बेसन नहीं है तो आप इस तरह से बना सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि इसे हम पकौड़ी की तरह ही बनाएँ और खाएँ। आप देख सकते हैं जो मैं अभी स्टीम करी हूँ, इसे भी आप चटनी के साथ खा सकते हैं, तो बच्चे नहीं खाएंगे इसे, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ आप देख सकते हैं, कढ़ाई ली हूँ, उसके अंदर तेल डाल दी, और उधर मैं इसलिए रख दी कि आराम से उस गैस पे होता रहेगा, छोटा वाला गैस है, कम आँच पे अच्छे से उबलता रहेगा, स्टीम होता रहेगा, तब तक मैं इसे फ्राई करूँगी। बच्चे नहीं खाते, बच्चों को नहीं पसंद आता ऐसे देख के, लेकिन पकौड़ी रहेगा तो वो खाएँगे, इसलिए मैं एक तरफ चाय रख दी हूँ, एक तरफ ये इसे तलूँगी, फ्राई करूँगी, और उधर स्टीम हो रहा है। तो आप सब देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है, कितना प्यारा कलर आया है, देखने में इतना अच्छा लग रहा है तो खाने में कितना अच्छा लगेगा। एक बार आप भी अपने घर पे अगर अरबी के पत्ते की पकौड़ी बना रहे हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई करना कि चावल दाल भिगो के रात के लिए रख देना, सुबह इसे मॉर्निंग में पीस के उसके बाद बनाना, देखना कितना बढ़िया, कितना क्रिस्पी बनेगा, कुछ अलग ही स्वाद होगा इसका। हर बार बेसन में मैं बनाती थी, इस बार मैंने भी पहली बार ही बनाया ऐसा, लेकिन बहुत बढ़िया लगा, और देख लीजिए कितना अच्छा लग रहा है देखने में, तो खाने में क्या बताएं। तो आप सब अगर इसी तरह से मुझे प्यार सपोर्ट देते रहेंगे तो अच्छी अच्छी वीडियो आप सबको देखने को मिलेगी, और अच्छा अच्छा कमेंट करिए आप सब, कमेंट पढ़ के बहुत अच्छा लगता है, बड़ी खुशी सी मिलती है कि आप लोग प्यार देते हैं, सपोर्ट करते हैं मेरा। तो आप लोग देख सकते हैं कि मैं इसी तरह से सारे डिप करके इसके अंदर डाल दे रही हूँ पकौड़ी, इससे फ्राई भी हो जा रहा है अच्छे से, और भी पक जाएगा और खाने में भी बढ़िया लगेगा। बच्चे नहीं समझ पाते कि अरबी के पत्ते का है या कुछ अलग ही पकौड़ी बना है, तो वो खा लेते हैं। मैं दो से तीन हरी मिर्च इसके अंदर मतलब अंदर से चीरा लगा के डाल दी हूँ ताकि अच्छे से ये बढ़िया से पक जाए, अच्छे से इसकी भी पकौड़ी बन जाए। तो इसे भी मतलब तल रही हूँ, फ्राई कर रही हूँ, तो बहुत बढ़िया लगेगा। मिर्च का अचार या मिर्च की पकौड़ी इसके साथ हो तो बढ़िया लगता है, अच्छा लगता है खाने में। उधर वो स्टीम हो रहा है, हो चुका है, और इधर चाय भी मेरा बन के तैयार हो गया है, तो मैं अभी इसके साथ सबको खाने को दूंगी। तो अगर बरसात है, बारिश हो रहा है, तो उसमें ये पकौड़ी बनाइए, खाइए, बहुत बढ़िया बनता है। मौसम ठंडा हो, पकौड़ी बने तो कितना अच्छा लगता है। तो मेरा जितना अरबी का पत्ता था सारे स्टीम हो चुके हैं, अब मुझे इन्हें फ्राई कर मतलब फ्राई करना, तलना है, पकौड़ी बनानी है, इसलिए जो पानी गर्म हुआ था जिसमें मैं स्टीम कर रही थी वो पानी में हटा दी हूँ, और इसे मैं रख दी हूँ पंखे में ठंडा होने के लिए। जब तक वो ठंडा होगा तब तक मैं इधर खाने के लिए दूँगी, इधर बनाती रहूँगी, उधर खाते रहेंगे। तो अगर मौसम ठंडा हो, सुहाना हो, बारिश होती हो, उसके साथ चाय पकौड़ा हो तो क्या मज़ा आ जाए। तो आप सब देख सकते हैं कि कितना बढ़िया लग रहा है, मेरी पकौड़ी कितनी जल्दी बन गई, जिसे वैसे खाना है स्टीम वैसे भी खा सकते हैं, बहुत बढ़िया लगता है और स्वाद भी कुछ अलग रहता है। तो अगर मेरे चैनल से अभी नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आप सबके पास तुरंत पहुँच जाया करेगा, जो भी वीडियो मैं डालूँगी, वीडियो ब्लॉग शॉर्ट वीडियो जो भी होगा वो आप सब तक पहुँचता रहेगा। अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आप लोग वीडियो देख के लाइक नहीं करते, ये गलत बात है, लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि इससे मुझे लगेगा कि आप सबको मेरी वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है। तो इसी तरह से अगर आप लोग प्यार सपोर्ट देते हैं, देख सकते हैं आप लोग बन के तैयार हो चुका है चाय पकौड़ी, एक है तीखी वाली लाल चटनी, एक है मीठी वाली लाल चटनी, मतलब एक है केचप, एक टमाटर की चटनी है, तो बहुत बढ़िया लगता है इसके साथ चाय और मिर्च का अचार, मिर्च की पकौड़ी जैसे मैं बताई, तो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और ये ठंडा हो चुका था, इस ठंडा होने के बाद मैं इसे डाल रही हूँ तो बढ़िया से हो जा रहा है, और जैसे गर्म था भी स्टीम करी थी और तुरंत ही डालती ना तो ये फिर चिपकने लगता है। तो देख सकते हैं आप लोग एक साथ कितना सारा बन जा रहा है, चाहे कितनी भी जल्दी हो, गेस्ट आके बाहर बैठे हों और तुरंत आप बना के तैयार करके दे सकते हैं, घर पर आ जाए कोई तो कोई टाइम ज़्यादा नहीं लगता, देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है देखने में, खाने में तो और अच्छा लगेगा।
तो इसी तरह से आप लोग प्यार सपोर्ट देते रहना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना मेरी वीडियो को। और जैसे कि मैं आप सबको बताती हूँ कि मैं कुछ अलग कुछ हटके ही बनाने की कोशिश करती हूँ, आप सबको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में जाके ज़रूर बताना। आप सबको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि मेहनत करती हूँ तो आप सबको भी पसंद आनी चाहिए। तो देख सकते हैं कितना प्यारा कलर आया, कितना बढ़िया बन चुका है। तो आप सब इसी तरह से जुड़े रहना, प्यार सपोर्ट करते रहना। सही दिल से थैंक यू करती हूँ, क्योंकि आप लोग इतना सपोर्ट करते हैं, इतना प्यार देते हैं, इसी तरह से मुझे आगे भी सपोर्ट देते रहना, करते रहना। तो देख लीजिए पकौड़ी फारी बनके तैयार हो चुकी हैं, अभी इधर हम लोग खाएंगे। और देख सकते हैं आप लोग कि मैं कुछ ना कुछ बदल के बनाती ही रहती हूँ, जो भी बनता है मेरे घर पे वो सारी वीडियो ब्लॉग्स आप तक पहुँचाती हूँ, चाहे कुछ स्पेशल बनाऊँ या कैसे नॉर्मल बनाऊँ। घर में तो हर चीज़ हर तरह की बनती है, हर दिन अलग ही होता है, तो मैं सब कुछ आप सबको बताती हूँ। ऐसी बात नहीं है कि कुछ खास हो तभी बताऊँ तभी दिखाऊँ। तो इसी तरह से जुड़े रहना प्यार सपोर्ट देने के लिए। सही दिल से थैंक यू, नए वीडियो में नए ब्लॉग में मिलूँगी। बाय बाय।